हेलो एवरीवन दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे सारे लोगों की तरफ से आपको धनतेरस की बहुत सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं। और इस पे मुझे लगातार फोन कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मैसेज भी आपको दे दिया जाए और एक बधाई भी दे दी जाए सभी को। और बिल्कुल धनतेरस भी है, फिर दीपावली भी है, और साथ ही साथ जो है मैसेज यहाँ पर ये मैं जरूर देना चाहूंगा कि अभी कई सारे जो है हम वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ और भी लोग बना रहे हैं काफी अच्छे वीडियोस, खासकर ट्रांसलेशन वाले, तो उस ट्रांसलेशन वीडियो को बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, इससे हमें इस बात का भी पता चलता है कि हमारे इंटरनेशनल लीडर को भी हम जब जो इंग्लिश बोलते हैं, जो भी हो, हम भी कुल मिला के अगर हमें भी लोग बाहर सुनते हैं तो मैं भी उसे भी जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके शेयर करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के वीडियो देखते हैं या समझते हैं तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पहुंचता है। तो कहीं यहाँ पे सवाल ये भी है कि अपडेट तो कुछ नहीं है, फिर लोग क्यों यहाँ पे वीडियो बनाते हैं या शेयरिंग करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर सारे लीडर्स जो भी और हैं, आप यूट्यूबर की बात मत कीजिए, क्योंकि यूट्यूबर शब्द आजकल सभी के लिए लागू है, आजकल हर कोई यूट्यूब पे आके वीडियो बना रहा है। हालांकि मैं तो 4 साल से बना रहा हूँ, उसके बाद भी कई लोग आ रहे हैं और भी लीडर है जो आकर के यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, तो सभी कुल मिला के यूट्यूबर है। लेकिन ये चीज मत भूलिए कि यूट्यूबर के साथ साथ हम सभी यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर भी हैं, तो यहाँ पर सब अपना जो है शेयरिंग करते हैं। और यही वजह है कि अगर ये लोग सब शेयरिंग करना बंद कर दें तो आपको यकीन मैं बताता हूँ 90% लोग यहाँ पे ये सवाल करेंगे कि यार अभी क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं, क्या वजह है, कुछ अपडेट नहीं है इनके पास इसलिए नहीं बना रहे। लेकिन देखिए, आपको बता दें, सिर्फ अपडेट ही नहीं, बहुत सारी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यही वजह है कि आज यहाँ पर ऑन पैसिव में जो भी शेयरिंग कर रहे हैं लोग, जितने भी वर्ल्ड वाइड शेयरिंग कर रहे हैं उन्हें हेड्स ऑफ है, जो भी मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं उन्हें भी हेड्स ऑफ है। क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि आप लाइव सेशन करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं, जो भी लाइव सेशन करते हैं डेली बेसिस पे पूरी जगह पर, उन्हें अगेन मैं सैल्यूट करूंगा, क्योंकि पेशेंस उनके पास है। और दूसरी बात, जिस तरह से वो ऑन पैसिव की कम्युनिटी को संभाल के रखे हुए हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए, अपडेट्स तो डेफिनेटली यश मुफारे साहब लाएंगे ही लाएंगे, जो भी अच्छी अपडेट्स होंगी हमें दिख जाएंगी, क्योंकि 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है समय, 20 दिन लगभग हो गया इसमें कुछ अपडेट्स नहीं आई है। लेकिन यहां पर जरूरी है हम दूसरे का एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। तो इसमें अभी बात यही पर है कि दीपावली के बारे में सर बोला गया था, ये है, मैं देखिए जब भी लाइव सेशन करता हूं अपने, उसमें आप जरूर 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 अटेंड किया कीजिए, ये सारी बातें उसमें भी मैं बोलता हूं, बट छोटे वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूं, ताकि बड़े बड़े जो लाइव सेशन कई बार अटेंड नहीं लोग करते, इसलिए बताना जरूरी होता है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जब दीपावली की बात आई सर, कई दीपावलियां चली गई, हमारे कई सारे त्यौहार चले गए, ऑन पैसिव में कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दें, देखिए पहली बात तो ऐश मुफारे साहब ने कभी भी किसी दीपावली के बारे में, किसी त्यौहार के बारे में या किसी बर्थडे के बारे में उन्होंने खुद ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि इस दिन ये चीज आएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, उसे कई जगह सुन के, किसी के थ्रू सुन करके हमने सोचा कि यार ये दीपावली में कुछ नहीं है, उस दीपावली में कुछ नहीं हुआ, लीडर्स ने, कई लोगों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा बताया ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए, जो कुछ भी है, कहीं मुझसे कांटेक्ट करके पूछते हैं बहुत बार कि सर ये बताइए, आपके फलाने लीडर से अच्छा ये है, आपका बात होती है तो आप बताइए, उन्होंने उनसे आप क्या लगता है कि कब आएगा। तो मैंने बोला भैया, जो है वो ऐश मुफारे साहब बताएंगे, यहां पर कोई लीडर यहां पे बहुत बड़ा या छोटा बड़ा लीडर नहीं है, जो कुछ है वो यहां पर मिस्टर ऐश मुफारे हैं, वो ऑलरेडी 2-3 बार अपडेट में कह चुके हैं कि अब जो कुछ बताएंगे वो खुद ही बताने वाले हैं। तो यहां पर जो भी अगर ये बता देता है कि दीपावली में ये होगा वो होगा, भाई साहब आप उन्हीं से कांटेक्ट कीजिए, मैंने ऐसा अपने बाद में कभी ये बात नहीं कही है कि इस दीपावली में उसमें ये होगा, ठीक है। तो वो अपने लेवल पर बता देते हैं जितना उन्हें नॉलेज होता है, बट उसके हिसाब से जो है कई लोग और यूट्यूब पे ऐसे वीडियो भी बना देते हैं जिसमें वो ये बोल देते हैं कि देखिए डेट लिख देते हैं बकायदा, तो वो तो बिल्कुल 100% गलत ही होता है, क्योंकि वो कहीं से क्लिप उठा के डाल देते हैं और उसमें डेट डाल देते हैं, जबकि ऐसा नॉर्मली कोई कभी बोलता नहीं है। वो कई बार चीजें अपनी शेयर करते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, बट ये फाइनली नहीं है कि ऐसा हो, और जो भी होगा वो हमें अपडेट्स में मिस्टर ऐश आकर के डेफिनेटली बताएंगे जब भी और होगा। तो देखिए, यहां पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज तैयार की जा रही है। और जैसा आपने लास्ट वीडियो, जैसा क्रिस जॉनसन जो है हमारे, उनका मैंने वीडियो लास्ट ट्रांसलेशन करके डाला है, ध्यान से सुनिए, क्लिप काट के डालते हैं ताकि आपको
छोटे से वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल सके, कितनी बढ़िया उसके अंदर शेयरिंग है। और भी कई चीजें शेयर होती है, आप देखिए एक बड़े लेवल की कंपनी बन रही है। यहाँ पे बड़े लेवल की कंपनी का मतलब यह है कि यहाँ पर एक उस स्तर की कंपनी बन रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमने बहुत बड़ा नाम एक पूरी दुनिया में छाया हुआ रहता है और हमेशा रहा है, कई सालों से रहा है, और वो है हमारा यहाँ पर एप्पल का नाम। आपने सुना होगा एप्पल जैसी कंपनी जो है यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। और भी कंपनियां जो बड़े टॉप लेवल पर काम कर रही है, जब शुरुआत हुई थी इन कंपनियों की तो उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह थी कि शुरू के कुछ सालों के अंदर इनके पास जीरो बिजनेस था, कुछ भी नहीं था। कई बार ये कंपनियां बहुत टॉप पे जाने के बजाय नीचे आती गई और कंडीशन ये आ गई कि बंद होने के कगार पे थी, लेकिन आज देखिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में शुमार होती है वो एप्पल कंपनी और ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। तो हमारे पास क्योंकि हम ऑन पैसिव को बनते हुए देख रहे हैं, कई बार हमने यहाँ पे फेल होते हुए देखा है, मिस्टर एश ने ये बात बोली थी वो फेल हो गई, यहाँ पर ये चीज फेल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो रहा है, यहाँ पर हमारे इतने पैसे लगे हैं उसका कुछ नहीं हो सकता। देखिए ये सवाल जो आते हैं ना, ये इसीलिए आते हैं क्योंकि हम बड़े विजन को समझ नहीं पाते। तो ये जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जितने भी आप चैलेंजेस देख रहे हो, ये एक बड़ी कंपनी की ओर इशारा करते हैं। ये बड़ी कंपनियां बनने के कगार पे हैं, इसी वजह से जो है ऑन पैसिव जैसी कंपनी को टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है, और ये चैलेंजेस हमारे पास जितने ज्यादा आ रहे हैं, जितने ज्यादा चैलेंज आ रहे हैं, हम उतने ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, उतने ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि ऑन पैसिव में अभी भी आप देखेंगे तो लाइक का रेशियो अभी भी 98% ही है। कुछ ही लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उन्हें मैं बोलूंगा भाई साहब हम इस कंपनी के ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं, राइट, ऐसे फाउंडिंग मेंबर इस बात को समझिए, क्योंकि हमारे फ्रस्ट्रेट होने से चीजें नहीं आएंगी, चीजें तभी आएंगी जब वो तैयार हो जाएंगी पूरी तरह से। और ये बात तय है कि हमारा एक भी प्रोडक्ट मार्केट के लिए जब रिलीज होगा डेफिनेटली हम बहुत ज्यादा टॉप पर जाएंगे, क्योंकि हमारा विजन बहुत बड़ा है, मिस्टर एश का विजन बहुत बड़ा है। अपने त्योहारों को एंजॉय कीजिए, जो भी है हम ऑन पैसिव नहीं था तब भी हमारे त्योहार को एंजॉय कर रहे थे, ऐसा हम आने वाले दिनों में डेफिनेटली जब ऑन पैसिव से हमारा अर्निंग यहाँ पे अच्छा शुरू हो जाएगा, अच्छा रेवेन्यू जब हम जनरेट करेंगे, तो पहले से बेहतर अपने जो भी फेस्टिवल्स हैं, जो भी बर्थडे हैं, उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी जो आपको पल मिले हैं, जो आप उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमें सक्सेस का जो रेशो होगा ऑन पैसिव में बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। आप ऐसे फाउंडिंग मेंबर सारी चीजों को समझिए, ना कि यहाँ पर बिना वजह के हमें फ्रस्ट्रेट होना है। और बिल्कुल आपको अगेन धनतेरस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और ट्रस्ट कीजिए कंपनी पर, ट्रस्ट कीजिए मिस्टर ऐश मुबारे पर, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जिसे अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता है वो दूसरे पर क्या विश्वास करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइज एंड लव यू ऑल।